नमस्कार मित्रों, मैं नरेश दादीच। रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि छायावाद अज्ञात के प्रति वह जिज्ञासा है जो अध्यात्म में प्रदर्शित होती है, और इस कसौटी पर शुक्ल महादेवी वर्मा को ही शुद्ध छायावादी मानते हैं। मैं इससे इत्तेफाक रखता हूं और मानता हूं कि महादेवी वर्मा भारत के कविता के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है। मेरा एक काव्य संकलन आया था मौन का क्षण, और उसे मैंने महादेवी वर्मा को समर्पित किया है। उसमें से कुछ कविताएं मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिनमें आप देखेंगे कि महादेवी वर्मा के प्रति मेरा जो लगाव है वो शायद प्रदर्शित हो रहा है। सबसे पहली कविता है मौन का क्षण। मौन का क्षण वज्र सा मन पर रखा है, ढूंढता मैं अकी हथेली के गहन में अंकित लालिमा पटल की, जो घिरी अवसाद की भंगिमाओं में एक अंतिम रार भी समिश्रित हुई है पवन में, प्रिय का अनुपम समर्पण मौन का क्षण। अलियों के पावन संसर्ग में कंपित गंध प्रवाहित, द्रवित सांसों के सरगम की उठती थमती लहरें, अच्छिन्न मन पुकारता सघन सजल प्रेयस को, मुदित है कण कण मौन का क्षण। नमस्कार।